ओम शांति। आज नवरात्रि का तीसरा दिन दुर्गा देवी के तीसरे स्वरूप चंद्र घंटा के रूप में पूजन आराधन किया जाता है। भक्ति मार्ग में कहना है कि चंद्र घंटा देवी अलौकिक शक्तियां दिलाने वाली है और इस देवी को सुनहरे रूप में दिखाते हैं। तो इसका आध्यात्मिक रहस्य है, जब ब्रह्माचारिणी बनकर पवित्र बन जाती है तो उसमें अलौकिक शक्तियों की प्राप्ति, अलौकिक शक्तियां विशेष अष्ट शक्तियों के रूप में प्राप्ति होती है। वह अष्ट शक्तियां है सहन करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, संकीर्ण शक्ति और समेटने की शक्ति। ये सर्व शक्तियां हमें ब्रह्माचारिणी बनकर ब्रह्मा बाबा को फॉलो करने के बाद मिलता है। तो फिर चंद्र घंटा के रूप में पूजन लायक बन सकते हैं। तो ये सर्व शक्तियां हमें सहज राजयोग के अभ्यास से प्राप्ति होती है और चंद्र घंटा को सुनहरी शरीर दिखाते हैं। इसका मतलब है योग के द्वारा आत्मा को पवित्र बनाते हैं, आत्मा सतो प्रधान बनती है, पवित्र बनती है। इसका ही यादगार चंद्र घंटा को सुनहरी शरीर के रूप में दिखाया गया है। तो आइए आज हम चंद्र घंटा बनकर सर्व आत्माओं को पवित्र बनने के लिए पवित्रता की वाइब्रेशन को फैलाएंगे। ओम शांति।